राधे राधे सभी को, सुप्रभात, जय श्री राम। तो यार अभी मैं आया था घर और चावल की खेती हमारी चल रही है। तो यार मैंने सोचा क्यों ना एक क्विक व्लॉग शूट किया जाए, अपने इन्जॉय के लिए, है ना। तो सारी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, कैसे होता है, क्या होता है, कैसे हम मतलब चावल की खेती करते हैं और किस इलाके में कैसे खेत हैं, है ना। तो सारा चीज़ आपको दिखाएंगे बड़े रो वीडियो में, मिलते हैं। देखो हरियाली कितनी मस्त हो रही है और धीरे धीरे काफ़ी लोग आ चुके हैं बीज उखाड़ने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस थोड़ी थोड़ी बारिश भी है, मस्त मौसम है। देखो हरा हरा बीज बस थोड़ा सा ही बचा है और व्यू का आनंद लो भाई। तो गाइस फाइनली यहाँ पर खत्म हो चुका है। ये हमारी अम्मा है, देखो अम्मा अम्मा हाय बोलो। ये देखो ये हमारी अम्मा है और ये मेरी मम्मी है और भाई बहुत मस्त चल रहा है। अभी जाते हैं अभी नीचे। और फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं गाँव में और देखो भाई रास्ते में से पानी आ रहा है और देखो पूरा रास्ता अब यहाँ से जाएगा नहर में, ठीक है। तो हम चल रहे हैं अभी आगे को। सो गाइस एक खेत है हमारा वहाँ पर, देखो सामने ये वाला खेत है और अभी ये हमारा घर दिखाता हूँ। अभी ये हमारे गाय बच्ची शाबाश, अब उसको मारने जा रहे हैं, बहुत अच्छा। ओए अंदर जा। गाइस ये हमारे गांव का दृश्य, ये है धान की रोपाई जो होती है, तो धान बोते हैं। और ये है हमारे तलमोल दीपक जी भाई, दीपक भैया देखो ये बिल्कुल फॉर्म में। गाइस हमारे गांव में यहाँ पर खीरे हो रहे हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक खीरे। तो यार दिखाते, देखो खेत में हो रहा है ना, और एक और रखा है और यहाँ पर देखो ये हमारे ककड़ी की बेल जो होती है, और ये देखो भाई फ्रेश कितना बढ़िया खीरा है। ये देखो जूम करके, ये जूम करके दिखाते हैं, ये देखो। और इसके मालिक है हमारे किशोर दा, दिखाओ दिखाओ कैसा हो रहा है एक बार। ये देखो भाई बहुत अच्छा खीरा है, आपको चाहिए तो कितने रुपए किलो है अब बताओ, कितने रुपए किलो? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो मिलेगा बिल्कुल ऑर्गेनिक फ्रेश। ये देखो भाई ये हमारे गाँव का व्यू। तेरो बाटो यो तेरी गांव की धार, भूली ज्ञान फूल आगे छु बाहर। चारे छु तेरो बाटो यो तेरी गांव की धार, भूली ज्ञान फूल आगे छु बाहर। तेरी गांव की धार, ज्ञान फूल आगे छु बाहर। चारे छु तेरो बाटो यो तेरी गांव की धार, भूली ज्ञान फूल। गाइस मैं मेरे ब्लॉग में अभी कंटिन्यू होने के लिए, देखो हमारे बॉस 10:05 हो रहे और अभी उठ के आ गए। देखो ये बड़े राजा वाली जिंदगी जीते हैं और देखो इनको मैं चारों ओर से इनका व्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखो राजा। फिलहाल गाइस लगभग हमारा सारा काम हो चुका है तो बड़ा मजा आ रहा है। और ये देखो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारे बच्चे शाबाश। देखो यार बचपन में पानी का खेल सभी करते हैं, देख रहे हो। ये देखो भाई और यहाँ पर चल रही भाई रुपाई, ये देखो बॉस। फ्रेंड्स यार हम सारा बीज उखाड़ने के बाद घर आ गए थे और फिर अभी नहाया, हमने खाना वाना खाया और थोड़ा बैठा था मैं भी, और अभी 5 बज चुका है। और भाई व्यू चेक करो यार, अभी मेरे घर से कितना प्यारा व्यू आ रहा है, कितना मस्त, मतलब ग्रीनरी बहुत प्यारी हो रही है आजकल। और फिर अभी एक कल का व्यू आएगा सारा, ये देखो हमारी गुप्पू और छोटी गुप्पू बड़ी गुप्पू बहुत आराम से स्लोली स्लोली निकल गई भाई, निकल जाती है। अरे रेस नहीं छोड़नी है यहाँ पर सब, अच्छा उन्होंने नाम बताओ, इधर आओ। अपने नाम बताओ। ये है गुप्पू, ये दूसरी गुप्पू, वो तीसरी गुप्पू। शाम को खेल ले और ये हमारा ककड़ी, मेरी आवाज भी खराब हो गई। ये देखो भाई सारे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कितना मस्त व्यू है, बड़ा फील्ड है और बहुत मजा आ रहा है। मैं 3 गेम फर्स्ट आ गया भाई, मजा आ रहा है सभी को। यहाँ पर रात हो गई, हम जा रहे हैं घर को। ये हमारा ककड़ी देवी बिक्की थोड़ा सा प्रॉब्लम में है और ये हमारा भरत सिंह कनवाल। और अभी 7:30 हो चुका टाइम, देख रहे हो 7:30 बजे अंधेरा। ये है मलिंगा जी और यहाँ छोटे छोटे बच्चे, और ये देखो हमारा फील्ड कितना मस्त है। राधे राधे जय श्री राम। तो यार दिस इज नेक्स्ट डे और अभी आज जो है ना जो धान की रोपाई होती है वो होगी, ठीक है। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा दिखाऊंगा, बड़ा मस्त होने वाला है। और चलते हैं खेत में, आज हम जा रहे हैं इसी हरियाली के बीच और हमारे साथ ये देखो हमारे दीपक धामी, देखो ये सर में ट्रैक्टर के पांव रख के और पैर इनका फ्रैक्चर हो रहा है, काफी इंजॉय वाले बंदे देख रहे हो। और यहाँ पर हमारा बड़ा बॉस आ गया देखो, और अभी फाइनली पानी पहुंच गया और ये हमारा पूरा खेत जो है ना, अभी सभी लेबरों से निवेदन है, ठेकेदार आ गए हैं अच्छे से काम करना, एक लेबर ये भी ठेकेदार, ये लेबर। और गाइस फिलहाल मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे खेत। अब खेत में क्या होगा ना, सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे और उसको पूरा मतलब गीला करेंगे, उसके बाद इसमें वो देखो वहां पर बीज रखा है ना, इस बीज को इसमें डालेंगे, ये सामने बीज है।
तो गाइस तुम्हें अब मैं फिलहाल का व्यू दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा वाला, मतलब बहुत भयंकर हो रहा है यहाँ पर। ये देखो कैसे कैसे मतलब धान की बीज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये सिस्टम देखो, ठीक है, तो ये मिट्टी, इसमें पानी डाल के इसको पूरा मिक्स किया जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर फिर धान की बिजाई होती है। और यहाँ पर ये लाल शर्ट वाले एक बहुत बेकार भी, इनको काम करना नहीं आ रहा। ये देखो और ये है हमारी मम्मी। सो गाइस यार अभी मैं तुम्हें डिटेलिंग बताता हूँ कैसा होता है। अब देख रहे हो इससे क्या होगा ना, एक इसको बोलते हैं मैं, देख रहे हो इससे बीचों बीच पानी डाला जा रहा है, जिससे जो खेत की मिट्टी है वो गहरी और मस्त हो जाएगी। सारे लोग इंजॉय ले रहे हैं। ये हमारी मम्मी है और ये दो लोग फोन में लगे हैं। और भाई साहब मेरे को तो यार व्यू बहुत मस्त लग रहा है, देख रहे हो पहाड़ों के बीच में हमारा सुंदर सा गांव। ये हमारे पनवार जी, इनका नाम है शुभम सिंह पनवार, और इनके मुंह में देखो चार गड्ढे और रखी है, तो जूम करके हम आपको दिखाएंगे। और बहुत देखकर वीडियो बना रहा हूँ, एक बार और हो जाए। यहाँ पर काफी मस्ती चल रही है, मलिंगा जी पगली रखे। सही है भाई, सही है, बढ़िया बढ़िया शाबाश, एक बार और हो जाए। नीला से डाला कमजोर, नीला से डाला कमजोर। ओ भाई गिर गया, ओ भाई पूरा, ओ अरे पूरा खत्म हो गया, पूरा टेढ़ा हो गया भाई, गया। और इसका फोन भी अब लास्ट हालत में, ये ही फोन भी गया भाई साहब। अबे पूरा सो गया बंदा। अब बारी मेरी है, ये हमारे गुप्पो, और फुल मस्ती चल रही है भाई। शाबाश 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 शाबाश, एक बैल देखो, बढ़िया बैल, शाबाश शाबाश। आज अभी हो रहा है हमारा टी ब्रेक, मैं आपको दिखाता हूँ। होता क्या है ना कि सारे लोग एक जगह मतलब बैठ के चाय पानी सारा चीज होता है। ये हमारी अभी गुप्पू आगे हमारी है, गुप्पू इसका नाम है गुप्पू, और ये चाय पी रहे हैं सारे लोग वहाँ देखो। और अब यहाँ पर जो है जो बीज है ना, देखो बीज ऐसे डाला जाता है खेत में। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूँ एक मिनट, ये हमारे नीले शर्ट वाले बॉस गाइज ऐसे देख रहे हो आप। यहाँ पर ना इसको बीज को जमीन में ऐसे खेला जाता है और मस्त हो रहा है ये। तो अभी अभी यार हमने पूरा खेत बना दिया, और ये हमारे साथ देखो ये पनवार है, पनवार इसका नाम है पनवार। और ये देखो भाई अभी ये पूरा खेत देख रहे हो पूरा गीला हो गया, इसको भी बराबर करेंगे और वहां से बीज डालने हैं मस्ती में, ये देखो ठीक है। तो अभी हम बस खाना वाना खाएंगे, खाना खाना बहुत जरूरी भाई, उसके बाद नीचे वाले पहुंच चुका हूँ घर पे, सारे लोगों ने खा लिया, मैं काफी लेट आया तो मैं भी खाऊंगा। देखो ये देखो ये मेरा बढ़िया खाना आ गया, ये पगली रखी है यहाँ पर, और मैं इस व्यू के साथ खा रहा हूँ। सारे सामने बर्तन है, और ये हमारा पुराना मकान है जहाँ किचन है, और भाई मजा आ रहा है, गुप्पू दीदी हमारे अंदर है। फिलहाल अभी मैं पैक हो चुका हूँ भाई, बहुत सारी धूप लग रही, देखो पूरा मतलब डार्क धूप लगी है, और मैं यहाँ पर पूरा पैक हो गया भाई। अब जाएंगे नीचे और चलो गाइस। फिलहाल भाई हालत खराब हो चुकी है, दिन का काफी धूप है, बहुत ज्यादा धूप है, देखो भाई 40-45 डिग्री धूप हो रही है, देखो फिर कैसे करा जाएगा, बट करते हैं। और थोड़ी देर में सारा का इंटरव्यू लेते हैं भाई, क्या है गाइस हमारा सारा चीज हो चुका है। ये देखो ये लास्ट खेत था, लग चुका है, ये है बॉस शुभम भाई, भाई पीछे तो मुड़ो, और देखो मैंने इसको जो सेट थी देखो भाई कैसी बना दी, वाह मजा आ गया। ये देखो अब अभी तक धूप थी, अब आ रही है भाई। तो भाई लॉरेंस बिश्नोई इसके सामने कुछ नहीं है, चोर पूरा, देखो कीचड़ मार मार के साथ, देखो आप पाप लग रखे हैं, कीने पड़ेंगे कैसा लग रहा हूँ कोई बताएगा मेरे को, चोर लग रहा, पूरा चोर लग रहा है, आई एम चोर एंड मेरे पीछे, और मैं इतना स्मार्ट हूँ कुछ कह नहीं सकता हूँ, मतलब सबसे ज्यादा स्मार्ट बंदा वो, तो अभी थोड़ा कीचड़ में होगी, नहा दी नदी नहाऊंगा तो तब पता लगेगा, गधा है गधा, स्मार्ट हूँ। बॉडी देखो हमारे बॉस की बिल्कुल, ये देखो भाई से कितने 18 इंच का डोला है यहाँ पर, और पीछे हमारा हार्ट शेप वाला क्या बोलते हैं इसको, झरना है देखो ये। और हम बैठे हैं अभी एक काफी अच्छी छाया में, और जैसे हमने पूरा कर पाए तो अभी देख रहे हो अभी आ रही है भयंकर छाया, और अभी तक बहुत तगड़ी धूप थी, बहुत तगड़ी। ये हमारे शुभम सिंह कमतोला जी भाई, हमारा सारा कुछ हो चुका है, मैं आपको सारा थोड़ा बहुत व्यू दिखाता हूँ। ये देखो नीचे से हमारे बैल आ चुका है, लास्ट खेत यहाँ पर था ठीक है, और एक खेत था यहाँ पर, और ये हमारे शुभम जी देखो भाई हालत देखो क्या हो रही है, ये देखो भाई, और मेरी हालत भी ना सेम ऐसी हो रही है, मतलब पूरे कपड़े खराब हो रहे हैं देखो। तो अभी हम जा रहे हैं नदी, और हम करने वाले मतलब कपड़ों में ही ना नदी में कूदेंगे पूरा, सारा व्यू आपको मिलेगा। तो भाई निकलते हैं चलो, देखो कट्टे में सामान लेके जा रहे हैं हम पीछे, देखो और मिलते हैं थोड़ी देर में नदी में। भाई यार हम पहुंच चुके हैं बहुत अच्छे लोकेशन पे, ये हमारी नदी देखो भाई कितनी प्यारी नदी है, और ये लोग यहाँ पर बैठे हैं भाई, व्यू देखो और नदी देखो, बिल्कुल ठंडा पानी। और अभी हम काफी परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, थोड़ी बॉडी ठंडी हो जाएगी उसके बाद हम नहाएंगे। भाई हमारा सीन क्या बन रहा है ना, हम विद कपड़े कूदने वाले हैं, कपड़े बिना उतारे, क्योंकि कपड़ों में देखो कितनी सारी मिट्टी लगी हुई है ठीक है, तो मिट्टी यहाँ निकालते हैं। शुभम जी आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, शुभम भाई कुछ, हमारी हालत खराब हो चुकी है, हालत भाई इतनी थकान लगी है, और अभी हम ना विद कपड़े कूदेंगे, सूट दिखाते हैं आपको, ये देखो बॉस देखो।
ये देखो भाई कपड़े में कूद दिया, हुआ मजा आ गया। अब हमारे कूदेंगे शुभम जी, 1 2 3। अरे यार इसने तो अंडरशर्ट पहन लिया, और मैं विद कपड़े कूदूंगा, ऐसे विद कपड़े भाई। गाइस नदी बहुत कम है, कल तक मेरे हाथ ही आज यहाँ पर हो। हाथ आज कम है क्या? कम है आज, बट ये डूब जाएगा यार, इतना है कि डूब जाएगा भाई, डूब जाएगा तू। यार हम नदी से घर आ चुके हैं, बाकी नहा धो के हम फ्रेश हो चुके हैं, ना थोड़ी देर में खाना वाना खाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बैलों को पहुंचाने थोड़ा आगे तक। तो यार आई होप आपने काफ़ी चीज़ें देखी होगी, कैसे कैसे धान की खेती होती है, काफ़ी चीज़ें है ना। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Yeah, I'm not gonna let you go.